जैसे कि अगर किसी को बवासीर या फिर भकंदर की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि जब कोई मल त्यागने के लिए जाता है उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है एनल रीजन पे। और जैसे कि अगर हम बात करें मल त्याग करते समय उसे ब्लड की समस्या आता है, यानी अगर उसे खून आता है या फिर खूनी बवासीर हो या फिर वादी बवासीर हो तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं और किस प्रकार की दिक्कत और किस प्रकार की समस्या रहती है या फिर कौन कौन से रोग में मरीज को और क्या तकलीफ रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सिरप पीना कैसे होता है, एक दिन में कितना ml पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बताया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। जैसे कि अगर किसी को बवासीर यानी भकंदर की समस्या रहती है, जैसे कि अगर किसी को बवासीर की समस्या रहती है या फिर खूनी बवासीर की समस्या हो या फिर वादी बवासीर की समस्या हो तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को आपने देखा होगा बवासीर की समस्या रहती है जब वो मल त्याग करने के लिए जाता है तो उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं मल त्याग करते समय उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती है। और आपने देखा होगा जब किसी को बवासीर की समस्या रहती है तो उसे ब्लड भी आता है, तो उस ब्लड की समस्या को भी ये एक प्रकार से ठीक करने का काम करता है, यानी जो उसके बवासीर की समस्या रहता है उसे एक तरीके से जड़ से ये सिरप ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा मल त्याग करते समय, यानी जब वो मल त्याग करने के लिए जाता है तब उसके एनल रीजन पे काफ़ी ज़्यादा जलन यानी काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है। वो मल त्याग करते समय आपने देखा होगा आधा आधा घंटा एक एक घंटा वो बैठा रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती है, एनल रीजन पे काफ़ी ज़्यादा जलन की समस्या रहती है। तो इन सारी समस्याओं को ये सिरप एक प्रकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि फिसर की समस्या अगर किसी को रहती है तो उसमें भी ये सिरप काफ़ी अच्छा काम करता है, ये सिरप उस समस्या को जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को बवासीर की समस्या रहती है तो अगर उसे बैठने के लिए कहोगे तब भी उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है। तो इन सारी समस्याओं को एक प्रकार से ये सिरप जड़ से ठीक करने का काम करता है। डॉक्टर के द्वारा बवासीर भकंदर की समस्या में ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये सिरप यानी मरीज को पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को एसिडिटी यानी गैस की समस्या रहती है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, उससे गैस की समस्या एसिडिटी की समस्या लगातार कंटिन्यू बना रहता है, ये समस्या एक महीने दो महीने छः महीने से अगर उसे ये समस्या रहता है तो ये इस समस्या को भी ये एक प्रकार से ठीक करने का काम करता है, यानी एक प्रकार से इन सारी समस्याओं को एक ये सिरप जड़ से ठीक करने का काम करता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, आपने देखा होगा जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो उसका पेट फूला फूला सा रहता है, वो शौच के लिए बार बार जाता है, यानी उसका पेट खराब रहता है, तो इन सारी समस्याओं को एक प्रकार से ये सिरप जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये सिरप आपके पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से ये बहुत प्रॉपर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये सिरप काफ़ी अच्छा होता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से ये मेंटेन करने का काम करता है, यानी ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ठीक करने का काम ये सिरप करता है। ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये सिरप बवासीर भकंदर जैसी समस्याओं को जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं, ये सिरप का सबसे ज़्यादा उपयोग बवासीर भकंदर की समस्या में डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब किसी को बवासीर या फिर भकंदर की समस्या रहता है तो ये सिरप उसे जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करता है, आपके अगर पेट में किसी भी प्रकार का कोई समस्या रहता है तो ये उसे भी ठीक करने का काम करता है। ये आपके पाचन तंत्र को ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि ये आपके बवासीर जैसी समस्याओं को जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, ये सिरप पीना कैसे होता है। जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा इस दवा का डोज निर्धारित करके पीने के लिए बताया जाता है। लेकिन जो इस दवा का यानी जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा 10 ml सुबह 10 ml शाम को पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। डॉक्टर के द्वारा ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है बवासीर भकंदर की समस्या में। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस सिरप का कोई भी
खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट अगर आप ये सिरप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपको एक प्रकार से पेट ख़राब हो सकता है, आपको डायरिया की समस्या हो सकती है, आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग के जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत दिखे तो तुरंत ये सिरप बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं आप, अपने उसे आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन यूज करें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।